हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग रिस्पॉन्स, जो आई कुड सी कि मुझे बहुत भर भर के प्यार दे रहे हो आप, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आज मैं एक वीडियो के साथ आ गई हूँ। ये वीडियो थोड़ा क्या कहते हैं, सेंसिटिव होगा, बिकॉज आज मैं बात करूँगी ड्रीम्स, जो क्यूनेट कैसे यूज़ करते हैं इस ड्रीम्स को, आपको बिजनेस करने में ड्रीम को यूज़ करके कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि ड्रीम्स क्या है। ड्रीम्स ये है जो कि हम नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है, जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या अपने लोगों के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में मैं अपने घर वालों के लिए ये करूँगा, मैं अपने लिए ये करूँगा, दिस इज़ कॉल्ड ड्रीम। आपको ये एहसास दिलवाने में कि आपने लाइफ में अभी तक कुछ किया ही नहीं है, यू आर लाइक अ लूज़र, आप कैसे अपनी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा बोझ हो। अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो देखो, तीन तरह की क्लास होती है, एक हायर क्लास होती है, एक लोअर क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है। तो बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, हम लोअर क्लास फैमिली को भी देख पाते हैं और अपर क्लास को भी देख पाते हैं। तो हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि यार कुछ ऐसा कर लूँ कि हायर क्लास या फिर कुछ बड़ा कर पाऊँ। तो इसी बीच में अगर आपको कोई MLM कंपनी मिलती है तो उस वो जिस तरह से आपको सपने दिखाती है ना कि चलो आप आ जाओ, आप जो मिडिल क्लास से हायर क्लास में डायरेक्टली कैसे पहुंच सकते हो, हम आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं और बहुत शॉर्ट टर्म में हम आपको वहां पे पहुंचा देंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करते हो कि अरे यार मैं तो इसी चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि मैं कैसे मिडिल क्लास से हायर क्लास में चला जाऊँ। सो कहीं ना कहीं आप उसकी वजह से आप MLM में या क्यूनेट जैसी कंपनी में आ जाते हो। होता ये है कि जहाँ तक क्यूनेट की बात है, क्यूनेट में क्या होता है कि ये ड्रीम लिस्ट बनवाते हैं। ड्रीम लिस्ट का मतलब, जैसे आप ज्वाइन करोगे उसके कुछ दिन के बाद आपसे ड्रीम लिस्ट बनवाएंगे, येलो कलर की डायरी रहेगी, उसमें आपको ड्रीम लिस्ट बनाया जाएगा। उसमें आपको बोला जाएगा कि आप ड्रीम्स लिखो तीन फॉर्म में, जैसे जो लेटेस्ट आपको क्या करना है, उसके मिड टर्म में आपको क्या करना है, और 5 साल के बाद आप क्या करना है। तो और अपने मम्मी के लिए ये करना है, अपने पापा के लिए ये करना है, तो ये बोलेंगे कि नहीं नॉर्मल गाड़ी मत लिखो। अगर आपने लिखा है मुझे ऑल्टो लेना है तो बोलेंगे नहीं ऑडी लिखो, बिकॉज आपको वो मतलब माइंडली क्लोज कर देंगे कि आप इतना करोगे, 5 साल तक आप उनसे बंधे हुए, अगर आप 5 साल तक करोगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगा कि हाँ चलो यार 5 साल का ड्रीम लिख लिया है तो 5 साल रुकते हैं, तो 5 साल में ये सारी चीज़ें तो आ ही जाएगी। मेरे हिसाब से मैं तो रूही हूँ, अभी तक किसी का ऐसा कुछ आया नहीं गोइंग फॉरवर्ड। उसके पहले मैं आपको एक बताऊंगी कि आजकल आप देखोगे ना, मतलब एक कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये जो MLM है, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं और उनके थ्रू बहुत सारे लोग MLM ज्वाइन भी करते हैं। उनका मेन ये होता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल दिखाएं और लोग उससे अट्रैक्ट हो जाए। ऑब्वियसली अगर आप नॉर्मल क्लास फैमिली के और देखोगे कि मेरे साथ में रहने वाला बंदा आज के डेट में मर्सिडीज एंड BMW से घूम रहे, तो आप भी अट्रैक्ट तो जरूर होंगे कि यार ये जब ले सकता है तो मैं भी ले सकती हूँ। तो इस चीज़ों पे आप सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, जो अमीर होता है ना उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो समझ में आ जाता है कि MLM ज्वाइन करते हो तो जो चीज़ें आप पहले से सोच रहे हो और वो चीज़ें आपको सामने दिखती है तो बहुत जल्दी बैंग ऑन होता है और बहुत जल्दी आप रिलेट करते हो और बोलते हो कि ठीक है मैं करता हूँ। मोस्टली जो मुझे जहाँ तक लगता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली इसीलिए MLM या क्यूनेट जैसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और अपने हार्ड एंड मनी को बर्बाद कर देते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ कि जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तो मुझे भी ड्रीम लिस्ट दिखाया गया, जिसमें मैंने बनाया कि मैं अपने घर वालों के लिए ये कर रही हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए वो कर रही हूँ, पापा के लिए ये कर रही हूँ, भाई बहनों के लिए ये कर रही हूँ। उसके बाद मुझे ट्रेनिंग पे लेके गए, जहाँ पे एक दिन ऐसा होता है जहाँ पे मैंने बताया था मैजिक में गई थी, जहाँ पे एक सेशन ही होता है जिसमें जो आपके सीनियर हैं वो लेके आपको जाएंगे और वहाँ पे बैठा देंगे और एक दिन आपकी ड्रीम पे ही एक सेशन होगा, पूरा पूरे दिन आपको ड्रीम के बारे में बताएंगे। तो उसमें एक बहुत हाई लेवल के अपलायंस, जैसे मेरे टाइम में शिप्रा आई थी, तो शिप्रा आई और उसने अपने आप को बताया कि मैं ऐसी थी। तो पहले तो आप ये म्यूज़िक सुनो, अगर आप नॉर्मल भी ये म्यूज़िक सुनते हो ना और आंखें बंद करो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचोगे ना तो आपको आएगा ही, रोना आएगा ही कि यार सीरियसली आई एम मेरे पेरेंट्स को मैं मिस कर रही हूँ। अपनी आंखें बंद कर लें, तो ये रीज़न बता रही हूँ कि मैं क्यों 5 साल तक लगातार ये चीज़ें करते रह गई। मुझे वहाँ पे एक चीज़ एहसास हुई कि मतलब इतना ज़्यादा उन लोगों ने मुझे इमोशनल कर दिया और ऐसी सी बातें बोली कि उस टाइम पे आपको एहसास होगा कि आपने ना अभी तक अपनी फैमिली के लिए कुछ किया नहीं है। और मुझे वहाँ पे ये चीज़ें फीलिंग आई कि
आई एम द बिगेस्ट लूजर. मैंने तो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया था. बिंगा मुझे ऐसा फील हुआ कि बिंगा सिंगल पेरेंट, मेरे फादर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ. मतलब इस लेवल का आपको मेंटल टॉर्चर वहाँ पे दिया जाएगा कि यू डिड नथिंग फॉर योर फैमिली और एनीथिंग. अगर किसी ने ये सब सारे सेशन अटेंड किए होंगे ना तो वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. और कहीं ना कहीं मैं इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी यूनिट कर रहे होंगे या यूनिट करने वाले होंगे, तो एक दिन अगर वो वीडियो देखो तो रिलेट कर पाएंगे. कि मैं उनको बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ें मुझे फीलिंग्स आई कि आई डिड नथिंग फॉर माई पेरेंट्स एंड फैमिली, लेकिन जब मैंने वहाँ से आई तो फिर मैंने डिसीजन बना लिया कि क्योंकि अगर आपको खुद से ये चीज़ें जब दिमाग में डाल दिया जाएगा ना कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है और आपने कुछ नहीं किया, यू आर ए लूज़र, तो आप वहाँ पे एक डिसीजन लोगे कि नहीं मैं कुछ भी करके ये बिजनेस करूँगा और अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करूँगी. सेम ये इमोशंस जोड़े गए बिजनेस से और मुझे. एज ए मैं छोड़ सकती थी बिजनेस कि नहीं मुझे नहीं करना है, एक महीने में जब मुझे पता चला था कि इसमें लोगों को जोड़ना है, लेकिन वहाँ पे जब ड्रीम्स आए और वहाँ ये भी बोलेंगे कि आपके पास कोई और ऑप्शन है क्या अगर आप ये बिजनेस छोड़ दे, तो ये उनका टेक्निक होता है कि आप कैसे किसी बंदे को या किसी भी इंसान को इमोशनली इस बिजनेस से कनेक्ट करते हो ताकि वो 5 साल तक मजबूरन यहाँ पे सीधे आपके पेरेंट्स पे जाएंगे, सीधे आपके पेरेंट्स पे जाएंगे और आपको ये चीज़ का एहसास दिला के ही छोड़ेंगे कि आप एक नंबर के एक ऐसे इंसान हो जो कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सकते. अगर कुछ करना चाहते हो तो क्यूनेट करो या MLM करो जिसके थ्रू, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो. बट मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. जब मैं वहाँ से आई या फिर मैं अपने घर से मिली या मैं अब जब अपने आफ्टर क्यूनेट में जब अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, माई फादर इज़ ओके. मेरे पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं उनके लिए क्या करूँ क्या नहीं कर रही हूँ. उनके लिए उनका बच्चा इंपॉर्टेंट है, उनका बच्चा उनके साथ रहे और खुश रहे. और मेरे फादर ने बोला मुझे कभी ये सब चीज़ें नहीं चाहिए थी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर सकती हो तो सही काम करके आगे बढ़ो, मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि तुम 10 रुपये कम कमा रही हो लेकिन सही काम करके कमा रही हो. तब मुझे एहसास हुआ कि ये सारी जो ड्रीम्स और ये बड़े बड़े सपने बिजनेस में क्यों दिखाते हैं, क्योंकि आप इसी बिजनेस इसी सपने के थ्रू किसी भी इंसान के इमोशन से खेल सकते हो और उसको 5 साल तक रोक सकते हो. मैंने खुद देखा है कि कई ऐसे लोग इंक्लूडिंग मी, कई ऐसे लोग वहाँ पे इतने इमोशनल हो जा रहे थे, तो वहाँ पे अपलाइन सो कॉल्ड अपलाइन क्या कहते थे कि अपने फादर के नाम पे अपने पेरेंट्स के नाम पे हॉट साइन अप कर दो, और वहाँ पे लोग लोन ले लेके अपने दूसरों से कर्ज ले लेके हॉट साइन अप कर रहे थे, क्योंकि आप बंदे के उस पार्ट को इमोशनल पार्ट को टच करते हो ना कि इंसान उसके इंस्टिंक्ट्स काम करना ही बंद कर देते हैं. दिस इज व्हाई ये इमोशंस लाते हैं और लिटरली इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है. बोलो बहुत सारे लोगों को कर्ज ले लेके और हॉट साइन अप करते देखा बिकॉज ऑफ दिस ड्रीम्स का जो सेशन होता है. जैसे वीकॉन जा रहे हो, वीकॉन में चीप आएंगे, वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाएंगे कि मेरी स्टोरी ऐसी है वैसी है. ये वही लोग हैं जब आपका बिजनेस नहीं चलेगा और आपके अच्छे खासी EMI आपके अकाउंट में आएगी, ये वही अपलाइंस होंगे जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बिलीव मी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कहेंगे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझो. गाइस मैं आपसे हाँ जोड़ रही हूँ कि अगर आपको कोई भी इंसान ना हाई फाई लाइफ दिखाता है, ये बोलता है कि बहुत जल्दी शॉर्ट में आगे बढ़ जाओगी, बहुत जल्दी आगे लाइफ में निकल जाओगी, वो आपको एक झूठा सपना दिखाएगा. आपके पेरेंट्स को ना आपसे सिर्फ प्यार, आपका टाइम चाहिए और ऐसा कुछ नहीं. कोई पेरेंट्स आके ये नहीं बोलता है कि मुझे BMW में घुमाओ और मुझे मर्सिडीज में घुमाओ. उनके साथ 2 रोटी बैठ के खाओगे ना, ठीक है, तो उससे बड़ा सुख आपके पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए. तो मुझे ये चीज़ें अब एहसास हुई और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपने कोई
ड्रीम देख लिया है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपको MLM के थ्रू ही ये ड्रीम पूरे कर पाओ। आप बहुत ऐसी चीजें कर सकते हो जिससे आपके पेरेंट्स खुश रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतने ड्रीम देखने के बाद, कई ऐसे लोग हैं ना जो क्यूनेट क्विट नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे ड्रीम देखे थे, ये पूरे नहीं होंगे, मेरे पास ऑप्शन ए, मैं लूजर कहलाऊंगा। सीरियसली आई कैन से प्राउडली कि आई एम अ लूजर जिसने ये बिजनेस को नहीं कर पाई, इसमें आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि मैं अपने ड्रीम पूरे करने के लिए दूसरों को कर्ज में और EMI में नहीं डाल सकती थी। दिस इज वाई आई लेफ्ट दिस MLM कंपनी। सो ये मेरी बेसिकली आज मैं थोड़ा दिल से बात करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं आपको बताऊँ तो जब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं। जैसे कि कल मैंने एक कल मुझे एक कॉल आया, कोई एक, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज उन्होंने मुझे मना किया है कि वो आर्मी में ऑलरेडी जॉब करते हैं, गांव में उनकी फैमिली रहती है, तो उसका किसी सीनियर ने साइन अप किया एंड उनसे 4,50,000 चार्ज मतलब लाइक लिया और QI और वो सारी चीज़ें परचेजिंग करी। उनके पास टाइम भी नहीं है कि वो रिफंड ले पाए, कि उसको रिफंड के बारे में भी नहीं बताया। वो बंदा मुझे बोलता है कि मैम मेरी सैलरी 28,000 थी और जिसमें मैं आज 14,000 EMI दे रहा हूँ और मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं अपने बच्चे को कपड़े और अच्छे से खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो मेरा मुझे ऐसा लगा कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो जितना हो सके आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो या फिर आपके साथ वो सारी चीज़ें हो चुकी है, आप थोड़ा भी रिलेट करते हो ना, तो मैक्सिमम लोगों को आप अवेयर करो कि ये सारी चीज़ें चल रही है, शॉर्टकट नहीं है, और गलती से भी ऐसी कंपनी या ऐसे लोगों के बीच में ना फंसे जो आपको सपने दिखा के आपके पूरे के पूरे पैसे लूट लेंगे। सो दिस ये मैं आपसे कहना चाहती थी एंड मैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।